हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो भाई बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं नहा धो के तैयार, क्योंकि मुझे निकलना है ऑफिस के लिए। और आज समझ लो है मंगलवार का दिन, कल तो अपना खिचड़ी का दिन था, मकर संक्रांति, तो इसके लिए मैं गया नहीं ऑफिस। और काफ़ी दिनों के बाद आज ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि बीच में लीव पे भी था और उसके पहले भी मुझे कुछ ऐसा काम आ गया था कि मैं जा नहीं पा रहा था। काम तो हो रहा था ऑनलाइन, लेकिन जो मेरा गाँव जाने के बाद जो पेंडिंग बचा हुआ है ना, वो नहीं हो पा रहा था। तो अभी चाय नाश्ता करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ सुबह सुबह नाश्ते में आ रहा है। अब जब तक एक महीने तक ना यही चलने वाला है, लाई और नमकीन, सही ना? सही बात। तो चलो नाश्ता चाय वो पी लेता हूँ और फिर मिलता हूँ, क्योंकि निकलना तो है ही ऑफिस के लिए। तो बहुत दिन के बाद जा रहा हूँ ना, कंटाल आ रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है। वो भी कोई जाने की जगह है, वहाँ पर काम करना पड़ता है ना इसके लिए। तो भाई देखो, यहाँ पर जो मैं उस दिन गाजर लेके आया था वो सब छीले जा रहे हैं, क्योंकि इसका बनेगा, क्या बनेगा मम्मी? गाजर का हलवा बनेगा भाई। 2 किलो गाजर का देखो कितना हलवा बनता है। ये मोट मोट रहा होता है तो अच्छा है, लूज लूज। तो गाइज ये है मेरा आज का लुक। बहुत दिनों के बाद फॉर्मल पहन रहा हूँ ना, बहुत अजीब सा लग रहा है। बट मैंने नीचे फॉर्मल पैंट नहीं पहनी, मैंने डेनिम ही डाल लिया, मतलब जींस ही डाल लिया है। तो ब्लैक जींस ना चल जाता है, ब्लू जींस नहीं चलता ऑफिस में। तो चलो, यहाँ पर मम्मी घसते 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 परेशान हो गई, इतना सारा अभी तभी भी इतना बच गया है। 1 घंटे से घस रही है मम्मी, बड़ी आफत। तो भाई मैं देखो अपना भूत ऊत बन गया और निकल रहा हूँ। अभी बज रहा है 9:35। आज अपन स्पीड में जाएंगे और जल्दी पहुंचेंगे ऑफिस। कितना भी मैं जल्दी बोल लूँ वही हो जाता है 10:30-11। भाई अपनी धुनो है तैयार, मैं आया था सुबह इसको साफ करके गया हुआ था। और अभी कितना बज रहा है, 9:42। भाई निकलता हूँ यहाँ से, और काफ़ी दिन हो गए इतना दूर जाने आने का ना, तो एक बार थकावट लग जाएगा मुझे, तो बीच में कहीं मैं रुकूँगा जरूर, जैसे एज यूजल हमेशा रुकते रहता हूँ। तो चलो निकलते फटाफट यहाँ से। तो भाई मैं फाइनली पहुँच गया यहाँ पर सारोली, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो काफ़ी दिन के बाद सारोली में आके हॉल्ट करा और मुझे एक ट्रेन मिल गया बीच में, तो उससे बात करने में बहुत दिन के बाद मिले, तो फिर काफ़ी मुझे लेट हो गया। अभी मैं आपको बता दूँ, अभी बज गया लगभग 10:18, यहीं पर हो गए हैं और निकलना है अभी आगे के लिए। चलो मैं निकलता हूँ फटाफट। मैं ना पहुंच गया ऑफिस और अब भी देखो बज रहे हैं 10:48, काफ़ी समय चला गया यार। तो ऐसा समय इसलिए चला गया ना कि बीच में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और ट्रैफिक में कितना भगा के लेके आओगे यार। चलो फटाफट ऊपर चलते हैं। तो आ गए भैया अपने ऑफिस, ऐसा लग रहा है कि 10-20 साल के बाद पहुँचे। चलो जाते यार। तो भाई अभी ना काम करते करते इतना ज़्यादा थक गया था और अभी बज रहे लगभग 1:30। अभी मेरा बहुत सारा काम जो है ना पेंडिंग है, क्योंकि काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था और करते करते, मतलब जब से आया हूँ ना तब से मैं कंटिन्यूसली काम करे जा रहा हूँ, मैं सिर दुखने लगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ नाश्ता विस्ता करके आता हूँ और फिर बाकी का काम जल्दी जल्दी निपटाता हूँ। देखते कितना जल्दी होता है, आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन है कि आज मोस्टली मैं 80% काम आज निपटा देना चाहता हूँ। फिर क्या है ना, 1-2 दिन में फिर वो रेगुलर हो जाएगा थोड़ा थोड़ा वाला काम। तो चलो चलते कुछ नाश्ता। ये अपना नाश्ता विस्ता हो गया और मैं अभी आ रहा हूँ समझ लो ऑफिस, और आधा घंटा मेरा टाइम वेस्ट हो गया आने जाने में। मतलब मैं बाइक निकालूँ तो जल्दी हो जाए करे, लेकिन अभी कौन अंडरग्राउंड से बाइक निकाले और फिर जाए। चलो फटाफट जाता हूँ ऑफिस में और काम ख़त्म करता हूँ, फिर देखता हूँ कि मुझे चाचा के घर पर ही जाना था, मतलब घर पर नहीं जाना था, चाचा से मिलना था। तो अगर टाइम मिला तो आज जाऊँगा ज़रूर, लेकिन पहले अपना काम ख़त्म करता हूँ। मैं ना निकल गया अपने ऑफिस से और अभी काफ़ी लेट हो चुका है काम करते करते। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑफिसेज जो है ना वो बंद भी हो गई, देखिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ ना चाचा के पास जा रहा था, काफ़ी दिन हो गए मुझे मिल के, कि गाँव से आने के बाद तो मैं मिला नहीं उनसे। तो मैं गया हुआ था चाचा के घर पर लेकिन मिल नहीं पाया था, तो आज जाऊँगा। तो चलो चलते हैं चाचा के पास। और मोस्टली ना मेरा आज का काम, आज मतलब जितने दिन का भी काम था ना,
मैंने बहुत सारा जो है ख़त्म कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो तो रह ही जाएगा, वो हमेशा रह जाता है। ठीक है, तो चलो निकलता हूँ चाचा के पास। तो भाई मैं अभी घर पे पहुँच गया। मैं गया था चाचा के पास और चाचा से मिल के फिर मार्केट होते हुए ऐसे घूमते 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 और अब फाइनली पहुँच रहा हूँ। बहुत थकावट लग गई यार, काफ़ी दिन के बाद ऑफिस जाने के बाद यही होता है। एक तो पहली बार जाने का मन नहीं कर रहा था और जब पहुंच गए तो काम करने का मन नहीं कर रहा था, उसके बाद जल्दी आने का मन कर रहा था। तो फाइनली घर पे पहुंच गया हूँ, अभी थोड़ा फ्रेश होता हूँ और आज फिर लेके आया हूँ खाउसा सबके खाने के लिए। तो चलो फटाफट मैं फ्रेश होता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइज़ यहाँ पे अपना जो है खाउसा निकल रहा है। हमारे वाले में पापड़ी ज़्यादा डाल दी जाए, दुखिया मत कर जाए। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखो गाजर का हलवा बनके तैयार है। मेरा वेट नहीं किया गया भाई, काजू बादाम बड़ा डाला बा, तो चुकाई दे दिया काजू बादामों का। ओ शिट, बादाम और मुनक्का चला गया। मैं भी भाई सूप भी पीऊँगा और गाजर का हलवा भी खाऊंगा, खट्टा मीठा तीखा सब मिक्स। जल्दी जल्दी लाओ, ऐसा ऐसे बाहर से और इतना सब चीज़ खाने को मिल जाए ना तो फिर उसका मज़ा ही अलग रहता है। आ गया भाई अपना, दोनों पट्टा फट खत्म करेंगे। अरे कौन आया भाई, क्या पहन लिए? अरे बाप रे, इन सबको देखो, कश्मीर में से पहुंचे हैं। ठंडी लगा था क्या गोलू? हाँ बाप रे बाप, दिक्कत बाटे था। जोर से बोलो, बस भाई इसी की कमी रह गई थी। होता हूँ ना बैठे तो हमें हुआ ट्राई करा। तो भाई आज ना ठंडी इतना ज़्यादा है कि क्या बताऊँ, मतलब ना सब दरवाजा वरवाजा बंद करके हम लोग बैठे हैं। खाना पीना हो गया, अभी वॉक करने के लिए जाना है, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और मम्मी तो जैकेट पहन ली है, मैं भी अपना वो जो गाँव वाला जैकेट है वो बाहरी है तो वो पहन लूँगा। लेकिन ना ठंडी गांव जितना तो नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से भाई है ठंडी। ठीक है, और मुझे कब मालूम पड़ा, जब मैं सुबह उठ के आज ऑफिस जा रहा था ना बाइक पे, तब भी मैं एकदम ठंडा हो चुका था। यहाँ देखो जगदम्ब, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा। चलो भैया, मतलब जैकेट कम था कि लगी का बटे जाए विदा नीचे वहाँ नहीं रची, इतना ओढ़ हाड़ के जाएगा। एक काम कर रखे वो कमरवा ले ले, बढ़िया। चलो चल के सीढ़ी से जा, तब थोड़ा और गर्मी रहे। देख रहे हो दुनिया का मघो काला नहीं घेरे बटे, और हम लोग आयरन मैन स्टील बॉडी बोला ऐसे चली नहीं, कौन जरूरत ना, बस मेरी को स्टील बॉडी देखना नहीं चाहता है, इसके लिए मैं इसे ढक के चलूंगा। तो भाई हम लोग ना वॉक करने के लिए नीचे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ना कोई दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जैसे जैसे ठंडी बढ़ने लगेगी ना वैसे सब आना बंद कर देंगे। देखो मैं भी जैकेट पहन के आया हूँ, मम्मी भी इतना ओढ़ाड़ के चल रही है, दिखती नहीं रहेगी। अभी दिखाता हूँ, और देखो पूरा ग्राउंड खाली है, यहाँ पे सिर्फ मैं और मम्मी है और बाकी पूरा का पूरा ग्राउंड खाली, कोई नहीं दिख रहा है। और अभी सिर्फ 11 ही बज रहे हैं, बाकी वैसे तो सब 12 बजे तक रहते हैं, लेकिन सुनसान आलम। देखो हमारी बिल्डिंग में ना एक नया कार आया हुआ है, सब लोग ऐसा खड़े होकर देख रहे हैं जैसे लग रहा है मैंने ही खरीदा है। कहीं मैंने तो नहीं खरीदा है, मैं भूल गया, चाबी मम्मी लेके आओ ऊपर बटे। भाई हम लोग ना वॉक करके नीचे से ऊपर आ गए और ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और अभी लगभग बज गए 12, तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि कल हम लोग को बहुत ज़्यादा काम है, और वो जो काम है वो मैं कल बताऊँगा डायरेक्टली, अभी नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो चलो यार मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल मॉर्निंग। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।